नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रवि शंकर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नक्षत्र 13 बाय एस्ट्रो रवि शंकर। मित्रों, आज का ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो मुझे बनाने की प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि काफी जो भी क्लाइंट्स हमारे आते हैं तो पहला उनका प्रश्न अपनी हेल्थ के बारे में ही होता है। और इवन मोस्ट ऑफ द जितने भी क्लाइंट्स हैं, दे आस्क अबाउट देयर हेल्थ, दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, सो दे वांट टू नो अबाउट देयर हेल्थ। तो बार बार उनका यही क्वेश्चन होता है कि हमारी सेहत कैसी रहेगी, क्योंकि कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास माया। तो पहला सुख इंसान का क्या है, उसकी निरोगी काया है। अगर उसका शरीर सही रहेगा तो वो सब कुछ कर सकेगा, सक्सेस अचीव कर पाएगा लाइफ में और जो भी चाहेगा वो अचीव कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले उसका शरीर का निरोग होना बहुत जरूरी है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो लोगों के हेल्थ के बारे में, तो आज मैं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं जन्मपत्री में जिससे इंसान ये फाइंड आउट कर सकता है कि उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, जातक की अपनी हेल्थ कैसी रहेगी, कितनी उसकी हेल्थ की स्टेबिलिटी रहेगी। देखिए, पहला जो हम जब भी हेल्थ के लिए कुछ भी जो पहला पॉइंट देखते हैं वो देखते हैं लग्न, लग्नेश क्या है और वो लग्नेश कितना स्ट्रांग है और किस पोजीशन में बैठा है। अगर लग्नेश उसका लो डिग्री का है या छठे आठवें या बारहवें घर में बैठ गया तो उसका फल नकारात्मक हो जाता है। तो वैसे तो कोई ज्यादातर प्लैनेट छठे आठवें बारहवें में जाकर अपना फल खो देते हैं, लेकिन लग्नेश अगर छठे आठवें बारहवें में चला गया तो इस इंसान की हेल्थ इनस्टेबल रह सकती है। या लग्न में कोई नकारात्मक ग्रह बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है, शनि बैठा है, ये कुछ अच्छे प्रभाव भी छोड़ते हैं लेकिन नकारात्मक हेल्थ के ऊपर प्रभाव मैंने देखा छोड़ते ही हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बिच्छू को अगर आप प्यार भी करोगे तो उसकी जो प्रवृत्ति है डंग मारने की वो मारेगा जरूर थोड़ा बहुत। और उसके अलावा सर्वाष्टक वर्ग जब हम देखते हैं तो सर्वाष्टक वर्ग में छठे घर का जो पॉइंट्स हैं वो लग्नेश से ऊपर कभी भी नहीं होने चाहिए। ऐसी आठवें घर के जो पॉइंट्स हैं सर्वाष्टक वर्ग में वो लग्नेश से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये सर्वाष्टक वर्ग देखेंगे तो ये चीजें हम जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर चंद्रमा क्षीण हो जाए, तो उस इंसान की भी हेल्थ में काफी फ्लक्चुएशन आती हैं, अप एंड डाउन आते हैं, ऊंच नीच उसमें उसकी हेल्थ में देखने को उसको मिलेगी। या लग्न के अंदर अगर ग्रहण योग लग जाए, ग्रहण योग कब लगता है, जैसे चंद्रमा और केतु इकट्ठे बैठ जाए या सूर्य राहु इकट्ठे बैठ जाए तो वो ग्रहण योग कहलाता है। तो उस इंसान की भी हमें ऐसा देखा गया, उस इंसान की भी आयु तो अल्प हो ही सकती है, तो लेकिन उसकी हेल्थ की भी इंस्टेबिलिटी काफी रहती है। तो ये चीजें हम जरूर देखते हैं। ऐसी अगर अष्टमेश लग्न कुंडली में लग्नेश से स्ट्रांग हो, अष्टमेश अगर लग्नेश से स्ट्रांग हो जाए, पावरफुल हो जाए, ज्यादा बल में हो उससे, तो भी उस इंसान की हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। और अष्टमेश नवांश में अगर नवांश के लग्न से ज्यादा लग्नेश से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो भी उसकी हेल्थ की स्टेबिलिटी नहीं रहने वाली। या अष्टमेश नवांश में चंद्रमा जिस राशि में है नवांश में उसके लॉर्ड से स्ट्रांग हो जाए तो भी उस इंसान की हेल्थ की फ्लक्चुएशन देखने को मिलती ही है हमें। या अष्टमेश चंद्र राशि के जो लॉर्ड है, चंद्र राशि का जो भी लॉर्ड होगा, अगर अष्टमेश उससे ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो भी उस इंसान की हेल्थ वीकर साइड में रह सकती है। और कुछ मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च भी है अपनी, मैंने कहते हैं शनिवार के जैसे जो जातक जन्म लेते हैं वो दीर्घायु होते हैं, लेकिन मैंने देखा जो शनिवार को जो पैदा हुए हैं वो अपने हेल्थ फ्रंट पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोग उन्हें लगा रहेगा, हेल्थ फ्रंट पे स्ट्रगल करते ही रहेंगे। तो सैटरडे को जो पर्टिकुलरली बॉर्न होते हैं मैंने उनके ये एट्रीब्यूट देखे हैं। और 8th को, 17th को, 26th को, इन सबका टोटल मूलांक 8 आता है। तो इस डेट्स को भी जो मैंने देखा है जो पैदा होते हैं वो भी अपने हेल्थ फ्रंट पे मैंने देखा कभी कभी स्ट्रगल करते हैं। उसके अलावा हम लाइफलाइन देखिए, हाथ में चेक करते हैं, स्वास्थ्य रेखा चेक करते हैं, लाइफलाइन ये होती है। अगर लाइफलाइन क्षीण है, कटी फटी सी है, ब्लडीदार है, जंजीर बनी हुई है उसके अंदर और बड़ी इरेगुलर सी है तो भी उस इंसान की आयु है वो कम हो सकती है, या उस इंसान को हर कुछ कुछ पड़ाव पे अंतराल के बाद अपनी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको आती रहती है। तो ये चीजें हम ये जरूर काउंट करते हैं जब भी हम किसी की हेल्थ की फ्लक्चुएशन या हेल्थ की स्टेबिलिटी जब हम उसकी कुंडली में चेक करते हैं। और अगर मणिबंध में भी रेखाएं कम है, बहुत क्षीण है, तो वो भी उसकी हेल्थ की फ्लक्चुएशन उसकी बताता रहता है। इसके अलावा हार्ट लाइन और मस्तिष्क रेखा का भी हाथ में स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। अब सारे शरीर के अंदर देखा जाए तो खून पंप करता ही हमारा हार्ट है, तो हार्ट बेसिकली पंप है। अगर यही ठीक नहीं होगा तो इंसान की वो उसकी उसकी आयु या उसकी हेल्थ फ्लक्चुएट करेगी बार बार। तो
तो हार्ट लाइन भी बहुत उसका भी काफी सिग्निफिकेंस हम मानते हैं इसके अंदर। हार्ट लाइन बहुत अच्छी उस इंसान की होनी चाहिए, ये हमारी हार्ट लाइन होती है, ये फर्स्ट वाली, और ये बीच की मस्तिष्क रेखा, ये लाइफ लाइन है। और मस्तिष्क रेखा भी देखिए स्ट्रांग होनी, अब मस्तिष्क रेखा का आप कहेंगे कि क्या तात्पर्य है हेल्थ से, मस्तिष्क रेखा का मतलब अगर उस इंसान की मस्तिष्क रेखा अच्छी है तो उसका मतलब ये होता है कि वो इंसान बहुत नॉलेजेबल है और बहुत अवेयर है और उसमें काफी ज्ञान है। देखिए आधी आपकी प्रॉब्लम्स, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो जाती हैं लाइफ में अगर आपको ज्ञान है, अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको नॉलेज हर चीज में तो आप हर मुसीबत से निपटने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर इंसान नॉलेजेबल है तो वो हर चीज से निपट सकता है, सक्षम होगा उस चीज से निपटने में। तो मैं इसी तरीके से लोगों को समझाता हूँ, जैसे पूछते हैं कि राहु की महादशा में या शनि की महादशा में क्या इफेक्ट आएगा उनको, तो इफेक्ट ग्रहों की पोजीशन से तो हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उस इंसान की नॉलेज, उसकी अवेयरनेस अपनी लाइफ को लेकर, अपने अपने बारे में, उसका अपना लाइफस्टाइल, उसकी आदतें, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, ये सारा हम इसको भी जरूर चेक करना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि राहु की महादशा अगर एक्स के ऊपर आई है उसको बुरा फल मिला है तो वाई को भी बुरा ही मिलेगा। हो सकता है वाई उससे ज्यादा नॉलेजेबल हो सकता है वाई उससे ज्यादा अवेयरनेस में रहता हो, हेल्थ कॉन्शियस हो, हर तरीके से उसका 360 डिग्री उसको नॉलेजेबल हो, तो उसको राहु की महादशा फिर इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगी, जो कि एक इग्नोरेंट इंसान को इफेक्ट करेगी वो। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो मैंने बताए हैं इससे हम किसी इंसान का रोग निर्णय करते हैं और किस तरीके से उसकी हेल्थ रहेगी, इन सारी कॉम्बिनेशन को, इन सारी चीजों को रीड करते हुए हमें पता चल जाता है। और उसके अलावा हम साइकिक रीडिंग वगैरह भी करते हैं, वो एक अलग मोडेलिटी है, उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली और सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा में तो ये सारी चीजें हम देखते हैं अगर हम किसी की हेल्थ का निर्णय करते हैं। और अगर इंसान की एक चीज मैंने और देखी, अगर उसके कान, उसके नाक अगर लंबे हैं, अनुपात में है, अच्छे अनुपात में है, लंबे हैं और सिंक्रोनाइज है काफी, और उस जातक थोड़ा सुंदर भी है, तो उसकी स्टेबिलिटी हेल्थ की काफी रहती है। पिंकिश उसका कलर है, पिंकिश अगर कलर है तो उसका खून अच्छा होगा बॉडी में, उसका हेमोग्लोबिन अच्छा होगा, ऐसी हथेलियों का कलर भी हल्का सा गुलाबी में है तो वो अच्छी हेल्थ की ये इंडिकेट करती है। प्लस उसके कईयों के मैंने देखा है दांत काफी टाइम तक रहते हैं, अगर इंसान के दांत, उसके बाल, दांत तो मेन मानते हैं, अगर दांत काफी आयु तक उसके रहते हैं तो वो भी दीर्घायु इंसान, वो भी इंसान दीर्घायु बोला जाता है, उसकी हेल्थ की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। क्योंकि जो भी हम देखिए भोजन ग्रहण करेंगे तो पहले तो दांतों से जमाना ही पड़ेगा, तो दांत अगर स्वस्थ रहेंगे हम तुम्हारी हेल्थ की पोजीशन काफी अच्छी रहेगी। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस हम बनाएं आपके पास टाइम पर हमेशा पहुंचते रहे। धन्यवाद।